बारा जिले के छिपा बड़ोद कस्बे के होलिका खूट स्थित सराफा व्यवसायी रामचंद्र गणेश राम गोयल की सोने चांदी की दुकान पर बीती रात हथियारबंद अज्ञात लुटेरे करीबन 1 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी को लूट कर ले गए। बारा पुलिस अधीक्षक कल्याण मीणा ने बताया है कि छिपा बड़ोद होलिका खूट पर सराफा व्यवसायी रामचंद्र गणेश लाल गोयल ने यहाँ रात को 3 से 4 बजे के बीच आधा दर्जन से ज्यादा चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कुल 8 व्यक्ति है जो शटर को ऊपर करके तिजोरी तोड़कर 100 किलो से ज्यादा का चांदी चुरा कर ले गए। और यही नहीं, ये बड़ी ही चुनौतीपूर्ण वारदात है। लूट की जांच को पुलिस द्वारा 8 टीमें लगाई गई हैं और घटना में पादरी गैंग का हाथ होने की संभावना है। मौके पर कोटा SFL की टीम भी पहुंच चुकी है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। नवभारत समाचार कोटा राजस्थान से महेश गौड़ की रिपोर्ट। आज रात को रामचंद्र गणेश लाल गोयल के सराफा व्यवसायी इनके यहाँ करीबन 3 से 4 बजे के बीच में वारदात हुई है। इस वारदात का कोई वीडियो भी हमारे सीसीटीवी सामने आया है। इसमें 8 व्यक्ति है कि उसको शटर को ऊपर करके और एक अलमारी को तोड़कर इसमें के मुताबिक 100 से 200 चांदी लेके गए हैं। चुनौतीपूर्ण वारदात है। 7-8 टीमें बनाई है। हर एक बूथ का उद्देश्य चयन ले पाए हैं। सचिव का चंदा SHO को हर टीम एक टीम में अनाव दसाज में 7 दल का है। हमने बापचा SHO को बुला के कहा है लगा रहा है पार की जब का महसूस हो रहा है कि काम बहुत दिखाई दे रहा है। और घटनास्थल पर एक पुराना इस्तेमाली सोन और छोटा सोन महंगी बैठ गई है। चौकीदार कोशिश कर रहे हैं हम इसका ज़्यादा कहाँ जहाँ इसका रूट तय करके धीरे धीरे टीम में CCTV देख रही है। इसी तकनीकी रूप से भी हम इसका कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पर सफलता।